गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अभी फ़िलहाल सुबह के 7 बज रही है और मैं अपने मकान की छत पर खड़ा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडी हवाएं चल रही है, सामने मेन रोड है, देख सकते हो आप। और इधर मकान के साइड में खेत है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। तो अब मैं देखता हूँ, चाय माय बन गई होगी तो चाय माय पीता हूँ। चाय माय पीने के बाद मैं दुकान पे जाने की तैयारी करूँगा और दुकान पे जाने से पहले मैं संतोष भाई के घर जाऊँगा। थोड़ा संतोष भाई से काम है मेरे को और उनसे मिलकर उनसे बातचीत करके उसके बाद मैं दुकान पे जाता हूँ। तो ये रही मेरी चाय और साथ में तोस भी है, तो फटाफट मैं चाय पी लेता हूँ, नाश्ता कर लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से निकलता हूँ। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं जा रहा हूँ संतोष भाई के घर और संतोष भाई तरी वरी करने की तैयारी कर रहे थे। देखो पीछे कुआ भी पाइप लगा रहे थे, ये पाइप है। ओ ये दादा पास मार के खड़े हो गए, नल वाले हमारे, ये नल चालू करके नहीं दे रहे हमको। दे रहे दादा ने बहुत सेवा करी, पाइप लाइन आप देंगे और नहीं वाली यहाँ भी खुलेगी कि नहीं। पूरी जिंदगी दादा ने हमारी सेवा करी गाँव वालों की और पानी अच्छे से दिया है। चले एक अच्छी बनाओ रे कहीं। हाँ अच्छी पिक्चर बनी, दादा बोल रहे अच्छी बनाओ जरा ये दादा। अब अच्छा काम क्या यूरो बनने जाए। तो दोस्तों अब संतोष भाई से जरा बातचीत करना है, जरा काम है मेरे को, और बातचीत करके मैं दुकान पे जाता हूँ। दुकान अभी खोली नहीं, कितने बज गए? 8 बज गए अभी, 8 बज गए हैं। अब मैं जाता हूँ दुकान पे, 8:17 हो गए। अफजल भाई के मोबाइल में वैसा ही दिखता होगा। दोस्तों अब मैं निकलता हूँ दुकान के लिए। तो दोस्तों मैं दुकान पे आ गया हूँ और दुकान पे साहिबा मेरे पीछे लग रही थी, साहिबा को भी लाया हूँ दुकान पे। अब साहिबा रो रही है, घर जाने के लिए जिद कर रही है। क्या कह रही साहिबा? साहिबा क्यों रो रही थी बता। अरे आपने वीडियो डाल दी। हाँ बोल दे। साहिबा घर जाने की जिद कर रही है, ये हमारे नवलपुरा में साथ में रहते हम। और ये बच्चे बैठे हैं, इधर देख लो। तो दोस्तों शाम के 6 बज चुके हैं और दुकान बंद करने का टाइम हो चुका है और मैं दुकान बंद करने की तैयारी करता हूँ। ये भाई हमारे नवलपुरा में रहते हैं। हाय दोस्तों, मेरा नाम फैजान खान, फैजान नाम इनका। और ये देखो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों शाम हो चुकी है और मैं मेरे घर पे आ चुका हूँ, नहा धो के फ्रेश हुआ हूँ और साहिबा को घुमाने जाना पड़ेगा। साहिबा को रोज घुमाना पड़ता है, चॉकलेट दिलाना पड़ती है। तो साहिबा क्या कह रही? जोर से बोल, जोर से चॉकलेट। तो दोस्तों रात की 11 बज चुकी है और साहिबा को भी नींद नहीं आ रही है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि आज हमारे देश के लिए एक बुरी खबर आई है, मशहूर धावक मिल्खा सिंह जी का निधन हो चुका है। और मैं उनके बारे में एक बात आपको बताना चाहता हूं, उनका नाम फ्लाइंग जट किसने रखा था वो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये बात उस ज़माने की जब एशिया के सबसे बड़े धावक अब्दुल खालिद, मोहम्मद अब्दुल खालिद पाकिस्तान के थे, उनको मिल्खा सिंह जी ने उनके गांव में, उनके देश पाकिस्तान में जाकर हराया था। तब वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने मिल्खा सिंह जी का नाम फ्लाइंग जेट रखा था। तो हमारे लिए बहुत बुरी और दुखद खबर है कि इतना बड़ा अपने सुपरस्टार खो दिया। उनको दिल से सलाम करते हैं और इस व्लॉग का भी एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन कर देना ताकि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। गुड बाय।